दुश्वार रास्ते, कठिन मोड़, लैंडस्लाइडिंग और गहरी खाइयाँ, ये है कोहे सुलेमान। सखी सरवर से जब आप फोर्ट मिनरो की तरफ चलेंगे तो कद आवर पहाड़ आपके साथी होंगे। ये पहाड़ी सिलसिला कोहे सुलेमान कश कहलाता है। इस पहाड़ी सिलसिले का सबसे ऊंचा मकाम जरगून गर है, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 10,734 फिट की बुलंदी पर वाक़ है और ये बुलंद तरीन मकाम क्वेटा के शहर के पास वाक़ है। मज़ीद तफसील में जाने से पहले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिए। बलूचिस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ी मकाम भी यही है। इसके बाद दूसरा बुलंद तरीन मकाम खिलाफत हिल स्टेशन है, जो कि ज़ियारत शहर के पास मौजूद है। इसी सिलसिले का एक और बुलंद तरीन मकाम तख्ते सुलेमान है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 10,440 फीट है और ये डेरा इस्माइल ख़ान के पास है। इब्ने बतूता, जो कि एक बहुत बड़ा मुस्लिम एक्सप्लोरर था, उसने लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस मकाम पर चढ़े थे जिसका नाम आज तख्ते सुलेमानी है, जिसकी वजह से इसका नाम तख्ते सुलेमानी लिया जाता है। और तख्ते सुलेमान के पास जैतून और चलगोज़े के बागात हैं और इसी मकाम पर मारखोर, भेड़िए, खरगोश और अकाब पाए जाते हैं। एक गैर मुसद्दका तहरीर के मुताबिक कैस इब्न रशीद, जो कि पश्तून के अबाव अजदाद में से था, इसको भी इसी पहाड़ की चोटी पर दफन किया गया है। इसी पहाड़ी सिलसिले में एक मकाम फोर्ट मिनरो है, जिसके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा बड़ा स्टील पुल तामीर किया गया है, जो कि आपको आने वाली वीडियो में दिखाया जाएगा। इसी पहाड़ी सिलसिले और फोर्ट मिनरो के पास कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहां पर इंसान का दिल दहल कर रह जाता है। इसी सिलसिले में और इन्हीं रोडों पर जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहां से सिंगल गाड़ी का गुजरना भी एक मौजज़े से कम नहीं मालूम होता। लैंडस्लाइडिंग के इलाके भी आते हैं जहां से गाड़ियों को बहुत एहतियात से गुजरना पड़ता है। इसी रोड पर आपको कुछ ख़तरनाक मोड़ और गहरी खाइयां भी देखने को मिलेंगी, जहां पर ड्राइवर्स हजरात की महारत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मोजेस दोस्तों, जब भी आप कहीं सफ़र पर जाएं, तो सदक़े खैरात करके जाएं और सफ़र में भी अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें। अल्लाह पाक से दिली इल्तिजा और दुआ है कि हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी साथ में ही दबा देना है, ताकि अगला आने वाला व्लॉग आप बखूबी देख सकें और उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी आप जान सकें। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा आप यूं समझ लें कि लैंडस्लाइडिंग का ही है। जो लोग सफ़र करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उनको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि जिस जगह पर अब मैं मौजूद हूँ, ये जगह कैसी है और यहाँ से गुज़रना कितना दिलचस्प और कितना ख़तरनाक है। तो मेरी दुआ है कि आप जब भी कहीं भी जाएं, ख़ास तौर पर ऐसे सिलसिलों में जाएं, तो अल्लाह पाक से ख़ास दुआ करके जाएं और रास्ते में दुरूद शरीफ का विर्द भी करते रहें, ताकि अल्लाह पाक आपकी जान और आपके माल की हिफाजत करता रहे। तो ये देखें कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे मैं ख़ुद कहीं पहाड़ों में गुम हो गया हूँ। सारी दुनिया एक तरफ हो गई है और मैं एक तरफ हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इन पहाड़ों से मैं अब कैसे निकलूँ। इन पहाड़ों ने मुझे ऐसे घेर लिया, खाइयाँ, खड्डे
मोड़, ऊंचाइयां, लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बंदे को बहुत कभी कभार जो है ना बहुत खौफ आ जाता है सामने वाला मंज़र देखकर, या जिस मंज़र से गुज़र रहे होते हैं आप, ऊपर से 2,000-2,500 फुट ऊंचा पहाड़ कटा हुआ और पत्थरों के दोदे पड़े होते हैं, तो इंसान का दिल वहाँ पर दहल जाता है कि यार ऐसा ना हो ऐन मैं उसके नीचे जाऊं और ऊपर से खुदा न खास्ता दोदा सरक जाए, गिर जाए, तो हमारे साथ क्या होगा। यह सड़क दोनों तरफ से बाज़ ऐसी सड़कें, आप ये आप देखें जगह, आगे और पीछे से अगर लैंडस्लाइडिंग हो जाए, रास्ता बंद हो जाए, तो बंदा दो दो दिन तक यहीं पर खड़ा रह जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो मेरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा फोर्ट मनरो के बारे में, स्टील ब्रिज के बारे में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।